हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। बहुत ही विशेष आज प्रश्न है, क्योंकि भगवान ने उद्धव को ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, कल तो हमने देख लिया वर्णाश्रम का भी योग बता दिया जो कि कर्म योग। वर्णाश्रम का गोल क्या है, भगवान कल हमने देखा जो 44वें श्लोक में बोलते हैं कि 18वें अध्याय के क्या बोलते हैं, कहते हैं कि हाँ, इति माम च स्वधर्मेणा भजेन नित्य अमन्य भाग सर्वभूते सुमद्भावो मद भक्ति विदंते दृणाम। कि गोल क्या है वर्णाश्रम का, पहले भगवान ने शुरुआत में नॉलेज बताया था, आज कह रहे हैं वास्तव में उद्धव गोल है मेरी भक्ति, मेरी भक्ति ही इसका गोल है। कोई कह सकता है लेकिन प्रभु जी गोल अगर वर्णाश्रम धर्म का भक्ति है, वर्णाश्रम में तो देवी देवताओं का भी उपासना है, वेदों में उपासना है, इंद्राय स्वाहा इदम नाममा, इंद्रों की उपासना है। अरे वेदों ऋग्वेद में तो पूरे क्या भरे हुए हैं, इंद्र सूर्य चंद्र वायु अग्नि इन्हीं की भरे हुए। फिर आप कैसे कह सकते हो कि वर्णाश्रम से कैसे क्या, मतलब कि ये देवताओं का वर्शिप करने से फिर रुकावटी नहीं होंगी प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो भगवान जो चीज बोलते हैं, और याद करिए पांचवें स्कंद में मैंने आपको बताया था, भरत महाराज जब आहुति देते थे तो ये सोचते थे इंद्र चंद्र सूर्य, सूर्य क्या भगवान की आंखें, इंद्र भगवान के हाथ। इस तरीके से जो हर जीव देवी देवताओं को भी ये सोचेगा कि ये परम पुरुष के अंग है, वो अफेक्टेड नहीं होगा, वो नहीं होगा। भगवान कहते हैं, और इसलिए भगवान कहते हैं, अभी कोई कह सकता है कि हम कृष्णा, कई बार लोग बोलते ना अरे कृष्णा 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 दिन भर कृष्णा कृष्णा, कृष्णा ही का क्यों सेवा करें, कौन है कृष्णा। भगवान कहते हैं मैं सृष्टि का कर्ता भी हूं, धर्ता भी हूं, संहार भी करता हूं, मैं ही हूं आदि अनादि अंत मध्य सब कुछ मैं हूं, इसलिए मेरे से सब कुछ ये जगत उत्पन्न हुआ है। जैसे कई बार बोलते हैं ना अरे आपका बात हम क्यों सुने, आपका बात सुन करके क्या मिलने वाला है। तो ऑफिस का बॉस कहता है मेरी बात इसलिए सुनो बेटा क्योंकि मैं यहां का कर्ता धर्ता सीएमडी हूं, इसलिए। तो वही चीज बोल रहे हैं भगवान कि मैं सुप्रीम पर्सनैलिटी हूं। और भगवान जीव गोस्वामी कहते हैं भक्ति संदर्भ में बहुत सुंदर चीज अनुच्छेद देते हैं इसका, वर्णाश्रम के बाद कहते हैं हम दो कार्य तरीके से भगवान को वर्णाश्रम में कार्य कर सकते हैं। एक तो ये है कि क्या चीज, जो भी सेवा करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वर्क क्या, जो भी आप सेवा, मतलब जो भी सेवा नहीं, कहने मतलब है कि ऐसा सेवा जो भी भगवान को प्रसन्नता देता हो, जैसे भगवान का नाम जप इत्यादि, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो वर्क किसके लिए, प्लेजर कृष्णा के लिए, हर चीज कृष्ण के प्लेजर के लिए। मान लीजिए कोई कहेगा प्रभु जी ये बड़ा दिक्कत है, थोड़ा सा तो भोग करने दीजिए ना, हर चीज कृष्णा कृष्णा करेंगे तो फिर कर। तो इसलिए यत करोसी यदश्नासी यज्जुहोसी ददासी यत, उसमें भगवान कहते ठीक है फ्रूट मेरे को कम से कम दो, फल तो दे दो, पेड़ जिसका भी लगाना है लगाओ, आम का लगाना है सेब का लगाना है वो तुम लग सोचो, लेकिन जो फल आएगा कम से कम शुरुआत का पहला आम तो राधा रमन जी को चढ़ाना चाहिए ना। तो वो चीज कह रहे भगवान फ्रूट्स दे दो कम से कम, इससे भी हमारा क्या होगा आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से बोलने के बाद भगवान ने कहा कि उद्धव अब मैं तुमको एक चीज बताता हूं। फिर से भगवान बताने लग गए ज्ञान, जो मैंने तुम्हें बताया था ना
कि वर्णाश्रम में ज्ञान गेन नॉलेज, ज्ञान से क्या होता है, भक्ति कैसे ज्ञान से ऊपर उठती है। और भगवान आज उद्धव को एक चीज बोलने जा रहे हैं जो कि मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा था पहले भागवतम, आज पता नहीं कैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कृपा है, क्लिक कर गया दिमाग उधर चला गया। चूज योर एसोसिएशन। आप कहेंगे प्रभु जी ये तो कई बार सुने हैं, इसमें कौन नया चीज बोल रहे हैं। कई बार बोले अभक्त संगत त्यागो, अभी एनवाई में भी सुन रहे हैं जनसंघर्ष लॉलियम सर, और ये भौतिक संगत त्यागो। चूज योर डिवोटी एसोसिएशन ऑल्सो। भक्तों का भी संग, किस भक्त का संग करना ये भी सोच समझ के करो, नहीं तो जिनके साथ संग कर रहे हो वैसा तुम्हारा चॉइस बनेगा। गाड़ी तुमने सोचा है बैठा है कि मैं दिल्ली पहुंचूंगा, पर बात करते करते आप बैठ गए हो चेन्नई में, और फिर पहुंचते हो अरे अल्लाह मां, अरे हम तो चेन्नई में आ गए हैं, यहाँ पे तो हिंदी कोई बोल ही नहीं रहा है। इसलिए देखते हैं क्या भगवान ने बोला ऐसा अद्भुत उद्धव को ज्ञान। चलिए विशेषकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी और शिल प्रभुपा को स्मरण करते हुए आज के भागवत प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, जब भी प्रभुपाद जी भक्त लिखते हैं डिवोटी या अपने किसी ग्रंथ में, ठीक है ना, वो जनरल टर्म होता है। भक्त का क्लासिफिकेशन भी होता है, जैसे कि हम पढ़ते भी हैं कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। उसी तरीके से कहीं भी प्रभुपाद जी डिवोटी लिखते हैं, प्रभुपाद जी अब एक एक जगह पे थोड़ी ना लिखते चलेंगे ओ ये इस डिवोटी के लिए, ये इस डिवोटी के लिए, जनरल टर्म। जैसे महाप्रभु से भी किसी ने पूछा वैष्णव कौन है, महाप्रभु ने पहली बार बोला जो एक बार हरि नाम बोल रहा है हरे कृष्णा, बस वो हो गया भक्त। फिर अगले साल फिर उन्होंने किसी ने पूछा वैष्णव कौन, भगवान कहता है जो हमेशा हरे कृष्ण बोलता है वो है भक्त। अच्छा फिर अगले साल पूछा किसी ने कि वैष्णव कौन है, के वैष्णव, तो भगवान ने कहा जिसको देख करके कोई हरे कृष्णा बोलने लग जाए वो वैष्णव। तो ये स्तर है। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि जब भी हमारे आचार्य लिखते हैं, तो इसलिए आज जो हम देखेंगे कि क्या भगवान, क्योंकि ये जो उद्धव गीता है ना एकदम दूध का दूध पानी का पानी, इतना डिटेल में जा रहे हैं भगवान, अद्भुत है। चलिए तो वर्णाश्रम जो पहले भगवान ने दसवें चैप्टर में बोला था, वर्णाश्रम से भोग की इच्छा मत करो ज्ञान। अब भगवान कह रहे, मान लीजिए उद्धव कहे तो वो भूल जाऊं क्या भगवान, वो गलत है क्या, कहते नहीं ज्ञान भी ठीक है। ज्ञान कैसे ठीक है, भगवान कहते देखो ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान मार्ग में क्या करना होता है, ज्ञान डेवलप करना होता है, फिर उसको छोड़ना भी होता है। जैसे किसी को भूत पकड़ लेता है तो हम क्या बुलाते हैं तांत्रिक को, ओम फट 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 स्वाहा ओम, ऐसे झाड़ फूक करता है, दु 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 करता है ना, तो फिर हाँ हाँ हाँ, अभी वो कहता है कि अरे भूत निकल गया, उसके बाद भी करता है, नहीं फिर भी करते रहूंगा, मान लो फिर से पकड़ लेगा। तो उसी तरीके से भगवान सबसे पहले चीज कहते हैं ज्ञान में क्या होता है ना, इसीलिए ज्ञानी लोग क्या करते हैं, पहले भागवत सुनेंगे, हरिनाम भी करेंगे, पढ़ने के बाद
भागवत पढ़ लिए, हरि नाम में त्रुटि आ गया, अब कहते ये सब पढ़ के क्या फायदा, बोझा कौन ढोएगा, छोड़ो। जैसे आपको मान लो बुखार है, आप क्या करते हो, मेडिसिन लेते हो, मेडिसिन खाने के बाद ठीक हो जाते, टका टक, उसके बाद भेड़ मेडिसिन खाते रहते हो, नहीं छोड़ देते हो। इसी तरीके से भगवान पहले करे कि ज्ञान जो होता है ना, और ज्ञान का जो विधि है और जो इसकी विधि है, ये तब तक करनी होती है जब तक आपको सक्सेस, मतलब कि ये संसार से विरक्ति ना हो जाए। तो भगवान भक्ति को भी ऐसी छोड़ देंगे क्या? अरे कितना अच्छा है, 16 माला डेली कौन जप करेगा? एक दिन मैं भी सोच रहा हूँ 16 माला छोड़ो, कब वो दिन आएगा, कब हो गए हमार वो दिन के जब उस 16 माला से हमको होगा लिबरेशन। नहीं, अगर ये है तो फिर हम ज्ञान में जा रहे हैं। भगवान कहते हैं 16 माला क्या, 16 से 32 करना है, 32 से 64 फिर हमेशा। किसी ने पूछा स्वामी प्रभुपाद से, प्रभुपाद जी ये जो दिन भर आप चैंटिंग करते रहते इससे क्या फल चाहिए? प्रभुपाद कहते और चैंटिंग करना है। तो इसलिए भगवान कहते हैं भक्ति कैसे है, डिफरेंस है, भक्ति में ज्ञान और विधि को त्याग देते हैं। एक बार भगवान कहते हैं भक्ति जो है ना वो ये गोल भी है, ये मेन भी है, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वही वैकुंठ, वही भाग वहा गोलोक में भी यही करना है, यही चीज करना है, वहां पे भी सुबह मंगला आरती में उठना है, जप करना है भगवान का, बस वहां पे प्रेम से करेंगे, यहाँ पे तो फोर्स से उठो 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 ठक 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 उठो, मंगला आरती का समय हो गया, लेकिन वहां पे आपको प्रेम से उठोगे, पहले ही उठ जाओगे और पहले ही 16 माला जप कर लोगे, 16 क्या 16,000 जप करेंगे। तो ये चीज अंतर है। लेकिन कहते हैं भगवान, पर जानते हो उद्धव, भक्तों को तो छोड़ो, भगवान गीता में बोलते हैं ना, कुछ लोग काम से आते हैं, भगवान कुछ दे दो, पैसा दे दो, वो लड़की से हमारा टाका फिक्स करा दो। अब टाका फिक्स हो जाता है फिर भगवान को भूल जाते हैं। तो कुछ लोग वैसे आते हैं, भगवान कहते हैं उन सब में ये ज्ञानी जो है ना अच्छा है, कम से कम वो भागता नहीं है, वो फिर भी आगे बढ़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे ज्ञानी बहुत पसंद है, और खास करके 2 ज्ञानी तो मुझे बहुत पसंद है, कौन, ये चतुष कुमार और ये सुखदेव गोस्वामी। अरे सुखदेव गोस्वामी तो ज्ञानी नहीं, तो इतना भक्त शिरोमणि है, चूड़ामणि है। चतुष कुमार आए थे भगवान का दर्शन के लिए, तुलसी के महिमा से भक्त बन गए। अब भगवान कहते हैं, उद्धव कहता है अच्छा, और फिर भगवान बताना स्टार्ट करते हैं, देखो आत्मा और शरीर में अंतर। उसने सोचा भगवान से ये सब क्यों जानना, आत्मा और शरीर का तो क्लास हमने तो गीता में भी सुन चुके हैं, बहुत से ऋषि मुनियों से सुन चुके हैं। कहता है भगवान ये तो आपने जो बताया वो तो अच्छा है, मैं सुन चुका हूँ सारे बृहस्पति इन सभियों से, अब आज मुझे बताइए, क्या बताइए, गॉड रियलाइजेशन जो कि सेकंड स्टेप है, ब्रह्मन, ये ब्रह्मन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जरा यहाँ पे देखिए, ये श्लोक है, ये श्लोक संख्या है कि, और क्या बोलते हैं एक चीज, हाँ उससे पहले, हाँ 8वां श्लोक है, उद्धव बोलना स्टार्ट किए हैं। उद्धव क्या बोल रहे हैं, देखिए क्या पूछ रहे हैं, भगवान मुझे ज्ञान बताइए, पहला चीज विज्ञान बताइए, तीसरा चीज वैराग्य बताइए, और भक्ति भी बताइए। ओके, भक्ति भी बताइए। भगवान ने बोला, भगवान ने कहा ज्ञान भी चाहिए भक्ति भी चाहिए दोनों चाहिए, ऐसा क्या, लड्डू भी चाहिए चीनी भी चाहिए, अरे कुछ एक मांगो। भगवान ने कहा पहले ये बताओ तुमको भक्ति के बारे में क्यों जानना है, ज्ञान से ही जब मुझे प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान से भी ब्रह्मन में जा सकते हो, भक्ति क्यों पूछ रहे हो। भगवान से कहता भगवान कलयुग आने वाला है, बड़ा आंधी चलेगा, और ये जो आपके चरण है ना ये सिर्फ उस छाता के जैसे नहीं है कि जो कलयुग में जो बरसात से रोकेगा हमें बचाएगा,
अरे सोचिए, ऐसा छाता है ये भगवान का, मान लीजिए कोई छाता से पर पानी से रोके ना, क्या करेगा? आपको मैंगो जूस भी दे, यहाँ से एक पाइप लगा हो जिसमें हम ऐसे मैंगो जूस भी पी सकते हैं। तब तो हम प्रभु जी, बारिश हो या ना हो, छाता हमेशा लेके चलेंगे। क्यों? मैंगो जूस जो पीना है। तो इसलिए भगवान को कह रहा है उद्धव, ये दो जो चरण है आपके ना भगवान, ये सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं देते संसार से, ये हमको क्या कर देते हैं, आनंद में डुबो देते हैं। भगवान ने कहा, जब भक्ति से सब मुझे मिल तुम्हें मिल सकता है, फिर तुम ज्ञान के बारे में क्यों पूछ रहे हो? एक चीज पूछो। अब इसलिए बोलता है उद्धव, कहता है भगवान, भक्ति अपने दम पे नहीं कोई प्राप्त कर सकता, शुद्ध भक्ति। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, आप कितनों घिसिए, घिसते रहिए माला। अच्छा है, माला घिसने से ही शायद भगवान के, लेकिन भक्ति जो है वो भक्ति देवी की जो कृपा होती है, उनकी कृपा से मिलती है। हर दिन गाते हैं ना, यस्या प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान नगते कुतोपि। भक्तों की कृपा से भगवान का प्रसाद मिलता है। सही बात है, भक्तों का ही कृपा चाहिए, कोई कुकिंग नहीं करेगा तो फिर कहाँ से प्रसाद आएगा? तो इसलिए भक्तों की कृपा चाहिए, और ह्यूमन एफर्ट से ये पॉसिबल नहीं है भगवान। इसलिए जो लोग भक्ति नहीं कर सकते उनके लिए भी मैं पूछ रहा हूँ, और मैं भक्ति भी जानना चाहता हूँ, कैसे भक्ति हाइएस्ट है, क्योंकि बिना भक्ति का टेस्ट कहाँ भगवान। इसलिए दोनों चीज सुनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, चलो तो ज्ञान और विज्ञान और वैराग्य मैं बता ही देता हूँ। मैं तुमको वो इतिहास बताता हूँ जब युधिष्ठिर ने भीष्म से भी यही प्रश्न किया। मैं भी वहीं पे खड़ा था, मृत्यु के शैया पे जब भीष्म देव लेटे हुए थे, मैंने ही भीष्म को कहा, ये बहुत रो रहा है, मेरा भी बात नहीं सुन रहा, जरा समझाओ अपने इस पोते को। भीष्म समझाना स्टार्ट करते हैं, और वही चीज मैं आज तुमको उद्धव बता रहा हूं। सबसे पहले भगवान कहते ज्ञान क्या होता है, कहते देखो ज्ञान क्या होता है ना, ज्ञान ये समझना कि ये सारा जो जगत है सब कुछ परमात्मा से निकला है। किससे निकला है? परमात्मा। सर्व खलम इदम ब्रह्मम्, परमात्मा से निकला है। ठीक है, जैसे थ्योरी क्लास होता है, हम पढ़ते हैं साइंस में, ओ ये चीज H2+O2 H2O होता है, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं। विज्ञान ये होता है परमात्मा का अनुभव करना अपने जीवन में, दर्शन, परमात्मा का दर्शन करना, ये विज्ञान है भगवान कहते हैं ये चीज। उसके बाद भगवान कहते हैं, जब व्यक्ति परमात्मा का दर्शन कर लेता है ना, तो खुशी के मारे नाच उठता है, और इसलिए वो भौतिक चीजों को भूल जाता है। फिर कहते हैं भगवान, जैसे कहते हैं ना, जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी, LIC नहीं, भगवान परमात्मा के रूप में हमेशा रहते हैं आपके साथ। आप ये शरीर छोड़ देते हो, कीड़ा बन जाते हो, मल मूत्र में भी रहते हो, भगवान आपके साथ रहते हैं हमेशा, परमात्मा के रूप में भगवान साथ रहते हैं। और भगवान कहते हैं वैराग्य ये कैसे है, ये एक्चुअली में ज्ञान और विज्ञान, इसी से वैराग्य उत्पन्न होता है। और क्या है वैराग्य? भगवान कहते हैं वैराग्य है अपना इस शरीर, अपना स्वामित्व को त्यागना। क्या चीज? अपना जो प्रोप्राइटरशिप है, स्वामित्व को त्यागना, ये वैराग्य है। अब उद्धव को बोलते हैं, उद्धव क्योंकि तुम भक्ति के बिना रह नहीं सकते, तो चलो भक्ति के कुछ अंग तुमको बतलाता हूं। और यहां से भगवान भक्ति के कुछ अंग बतला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले भगवान कहते हैं, ये 20वें श्लोक से है, 11वें स्कंद का 19वें अध्याय का 20वें से 23 श्लोक। भगवान सबसे पहले कह रहे, कुछ कुछ मैं बोल लूंगा, बाकी सब तो बहुत लंबा अंग है। सबसे पहले कहते हैं, सद्धा मृता कथा यम्मे
श्रद्धा होना चाहिए मेरी कथाओं में। कैसा श्रद्धा? कौन सी? हमारे आचार्य कहते हैं भगवान ने गोवर्धन लीला उठाया, उठाया है कि नहीं? सब नहीं बोल रहे हैं, यानी श्रद्धा नहीं है, यानी भक्ति स्टार्ट नहीं हुआ है। जिसको अभी भी श्रद्धा नहीं है, गोवर्धन भगवान, अरे कहां उठा लेंगे, कैसे उठा लेंगे जी? नहीं उठा सकते। अगर ये श्रद्धा नहीं है तो भक्ति अभी स्टार्ट नहीं हुआ। आप समझ लीजिए, बहुत सिंपल रखा है भगवान ने श्रद्धा। फिर सस्वम मत अनुकीर्तनम, कीर्तन, जो कीर्तन में जाता है और हरे कृष्ण बोलता है, ये नहीं कि मुंह ताक रहा है, बोलता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो ऐसे बोलता है, कीर्तन करता है, ये भक्ति का अंग है। आगे कहते हैं भगवान, स्तुति भी स्तवनम मम, स्तुति करता मेरा, मेरे जैसे गीता में अर्जुन ने कहा, क्या कहा? परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम, ऐसे, या गोविंदा आदि पुरुषां तमहं भजामि, स्तुति करना चाहिए। फिर कह रहे हैं सबसे बड़ा चीज तो बोल रहे हैं कि मेरे भक्तों के प्रति, मेरे भक्तों के प्रति उसका बड़ा वो रहता है, श्रद्धा रहता है। और मेरे वचनों को भी, वचसा मत गुणे नाना, मेरे वचनों को भी ध्यान देता है। इस तरीके से भगवान कहते हैं, और ये भोग इन सब चीजों को त्यागता है, मेरे में मन लगाता है, और जो इस तरीके से करता है, शरण मेरी लेता है उद्धव, वो वास्तव में भक्ति करता है, मेरा भक्त कहलाता है। इसी चीज को भगवान ने बताया। अब क्या बोलते हैं भगवान, कहते हैं देखो उद्धव, ये तो भक्ति हो गया शुद्ध रूप से। भक्ति गुणों में भी होती है, सत्व गुण में भक्ति कैसी होती है? धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए, उसके लिए जब हम भक्ति करते हैं तब हम क्या है, सतोगुण में। और कई बार हम भक्ति रजोगुण में भी करते हैं, जैसे कीर्तन करते हैं हरे कृष्णा, कौन कौन सुन रहा है? अरे हाँ, अच्छा गा रहा हो ना? हाँ हाँ, कैसा लगा था वो ट्यून? अरे बहुत बढ़िया प्रभु जी, अरे क्या मस्त। कई बार हम भी जब भागवत क्लास या इत्यादि को देते हैं, कैसा लगा आज का क्लास? तो क्या है इसमें नेम फेम, ये रजोगुण में हो रही है भक्ति। हम भगवान की भक्ति रजोगुण में कर रहे हैं, ये चीज है। तमोगुण में जब हम किसी को मारने के लिए हरे कृष्ण मर जाता अच्छा होता, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे, उसके मुंह में कीड़े पड़ जाए हरे राम जब ऐसे क्रोध में नाम ले रहे हैं हरे कृष्णा, लेकिन सोच रहे मर जाए, कीड़े पड़ जाए, पेट में दर्द हो जाए, चौमिंग खाए तो दिन भर वो चौमिंग ही निकालता रह जाए, ऐसा अगर हम सोच रहे हैं तो ये तमोगुण में भक्ति हो रही है। और भगवान कहते हैं ऐसी भक्ति बड़ा डेंजरस है, अधार्मिक करा देता है, अधर्म में लेके चला जाता है। इसलिए वास्तव में सही रूप से ज्ञान, अंत में कहते भगवान कहते हैं कि ज्ञान मेरे को जो मेरे तरफ लेकर के आए, विज्ञान मतलब कि मेरा दर्शन करना, वैराग्य मतलब कि कंप्लीटली सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति से एकदम अलग हो जाना, और ये चीज है। अब यहाँ पे जैसे हम कभी कभी खेलते ना, आप एक उसको रैप राउंड क्या बोलते हैं, जो फास्ट फॉरवर्ड तुरंत एक एक क्वेश्चन पूछते हैं, तुरंत एक मिनट में, तो वैसा राउंड खेल रहे हैं, प्रश्न उत्तरी चल रहा है, उद्धव प्रश्न कर रहे हैं, भगवान उत्तर दे रहे हैं तुरंत, और उसको जो समझाना होगा मैं आपको थोड़ा बहुत बीच में बताता जाऊंगा। सबसे पहला प्रश्न, तो क्वेश्चन आंसर रेडी, उद्धव कहता है आर यू रेडी, सब जैसे केबीसी सीट पर बैठा दिया है भगवान को, आर यू रेडी कृष्णा,
कृष्णा खड़े, यस आई एम रेडी। उद्धव कहता है पहला प्रश्न आपके लिए ये है भगवान, मतलब जानना है मुझे यम क्या होता है। यम यम यमराज नहीं, यम नियम, जो डिसिप्लिन होना। तो भगवान कहते हैं यम 12 प्रकार के होते हैं, जिससे क्या है अहिंसा, ट्रूथफुलनेस। मैं आपको श्लोक लिख देता हूं और यह कहता हूं जिससे आप देख सकें कि कहां ये पूछा है और उद्धव ने कहां ये बोला भी है। तो ये श्लोक रहेगा जो उद्धव ने क्वेश्चन कहां किया, किस श्लोक में उद्धव के क्वेश्चन, और उद्धव का ये क्वेश्चन ये किस वर्ष में आंसर दिया है भगवान ने, और ये भगवान का आंसर कुछ कुछ लिख देंगे, बाकी सब तो नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो ये है 28वें श्लोक में प्रश्न है यम क्या है भगवान। उत्तर किस में दे रहे हैं भगवान, 33 से 35 श्लोक के अंदर बड़ा है, जिसमें कहते हैं 12 चीज यम आता है, अहिंसा, सत्यता, ये सब चीज। फिर भाव पूछता है ओके राइट आंसर भगवान, नियम, नियम क्या है भगवान। नियम में वो भी वही है 28वां श्लोक 35 से 35 में आंसर भगवान कहते हैं ये भी 12 होते हैं नियम। क्या नियम है, स्वच्छता अंदर और बाहर दोनों, चैंटिंग द नेम, तपस्या इत्यादि, ये सब नियम हो गए। समा ये भी 28वें श्लोक में है। समा मतलब कि अंतःकरण को संयम में रखना, मन को संयम कह सकते हैं, और जो एग्जैक्ट लिखा है वही संस्कृत लिख दे रहे हैं। समा, सम क्या होता है भगवान, सम का एक्चुअली में 36वें श्लोक में, जब हम एब्जॉर्प्शन में पूर्णतया एब्जॉर्ब रहते हैं। 36वें में भगवान इसका आंसर देते हैं एब्जॉर्प्शन, किस चीज का, बुद्धि को। तो ये हो गया आपका, भगवान इसको बोलते हैं समा। दमा नहीं, बीमारी दमा की बात नहीं हो रही है, दमा सेल्फ कंट्रोल। भगवान कहते हैं इसको डिसिप्लिन, सेंसेस को डिसिप्लिन में लाना, ये समा दमा। उसके बाद कहते हैं तितिक्षोवा, टॉलरेंस क्या होता है भगवान कहते हैं हर दिन भिंडी की सब्जी को खाना, पिछले एक महीने से भिंडी की सब्जी को खाते रहो, खिचड़ी खाते रहो, एक तरह का टॉलरेंस है, वही चीज है पेशेंटली एंड्यूरिंग सफरिंग। ऐसे मतलब प्रसाद है, धैर्य रखना, जब विपत्ति आया है धैर्य रखना, विपत्ति की स्थिति में भी, विपत्ति में ठीक है। आगे बोलते हैं भगवान दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन क्या है। तो भगवान कहते हैं डिटर्मिनेशन का मतलब होता है जब हम किसको, अपने टंग और जेनिटल्स यानी लिंग और जो जीवा है, जीव और लिंग पे कंट्रोल है, वही इस संकल्प है। देखिए कितना सिंपल दिया है, आदमी का डिटर्मिनेशन सही में यहाँ पे जैसे ही वो देखता है क्या, ओहो हो पनीर, रबड़ी और क्या, रसमलाई, चाउमीन, पास्ता, पिज्जा, भले ही फास्टिंग रहता है, कहता है प्रभु जी एकादशी का फास्टिंग कल भी कर सकते हैं क्या, आज के जगह पे द्वादशी के दिन फास्टिंग कर लें, आज पिज्जा मिल रहा है, पास्ता मिल रहा है। भगवान कह रहे वही डिटर्मिनेशन चेक हो जाता है वहां पे। फिर चैरिटी, 29वें में चैरिटी क्या है। इस तरीके से भगवान बहुत चीज पूछते हैं, तो मैं आपको बताते जाता हूं। चैरिटी सबसे बड़ा, चैरिटी क्या है भगवान कहते हैं, सबसे बड़ा दान यही है, दूसरे को दुख देना छोड़ो, एग्रेसिव मत हो दूसरों के प्रति।
ऑस्टेरिटी तपस्या, भोग से अनासक्त होना तपस्या है। हीरो कौन है? मेरा हीरो नंबर वन हीरो ही वीरता क्या है? किसी को उठा के पटक देना वीरता है? भगवान करे नहीं। सबसे बड़ा वीरता वो है जिसने भोग की वृत्ति त्याग दी है। रियलिटी जीवन की सच्चाई क्या है? कृष्ण कहते हैं सब जगह मुझे देखना यही सच्चाई है। सत्यता सत्य क्या है? भगवान कहते हैं सुख दुख में जो समान रह जाए देख सके वो सत्यता है। स्वच्छता भगवान कहते हैं इंद्र तृप्ति से हट जाना ये स्वच्छता है। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? भगवान कहते हैं मैं ही हूं यज्ञ पुरुष। फिर दक्षिणा ये क्या है? भगवान कहते हैं सबसे बड़ा दक्षिणा यही है, कोई अगर आपका मित्र आया है फेस्टिवल में, कोई व्यक्ति आता है, उसको भगवान के बारे में बतलाना या गुरु के वचनों पे श्रद्धा होना। ताकत सबसे बड़ा बल किसमें? भगवान कहते हैं प्राणायाम करने में। इससे तो लग रहा है स्वामी रामदेव जी सबसे बलवान हैं। क्यों भगवान कह रहे हैं प्राणायाम? क्योंकि प्राणायाम करने से मन को जो काबू में कर ले, जो कि प्राणायाम इत्यादि से मन को जो काबू में कर ले सबसे बलवान व्यक्ति। इसीलिए कहते हैं अर्जुन, अरे भगवान आप बोलो तो पूर्वी हवा को पश्चिमी में बदल दूंगा, लेकिन मन को काबू में करना बड़ा मुश्किल है। वही चीज कह रहे भगवान। सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है? 10 करोड़ रुपया मिल जाए वो प्रॉफिट है? नहीं, कह रहे हैं भक्ति सबसे बड़ा। बचपन से किसी को अगर भक्ति मिल रही है सबसे बड़ा प्रॉफिट है। बहुत सौभाग्य तुम लोग का, गुरुकुल के बच्चों का, कि बचपन से भक्ति मिल रहा है। सबसे बड़ा बेस्ट एजुकेशन क्या है? आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। नम्रता क्या है? सबसे बड़ा चीज भगवान कहते हैं नम्रता ये है जब हम गलत कार्यों से थू, गलत चीज को करने में भी थूकना, मतलब एकदम कर ही नहीं सकते, वो सबसे बड़ी नम्रता है। ब्यूटी सबसे सुंदरता क्या है? फेयर एंड लवली लगा करके चमकना हो क्या, वो सबसे सुंदरता है? भगवान कहते हैं नहीं, अच्छे गुण जिसके अंदर हुए सबसे सुंदर व्यक्ति है। हैप्पीनेस सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? भगवान कहते हैं जो सुख दुख से परे हो गया है। सबसे बड़ा दुख क्या है? कहते हैं सबसे बड़ा दुख है यौन संबंध, यौन सुख, जो कि पूरा दुनिया उसी के लिए पागल है। भगवान कह रहे सबसे बड़ा दुख वही है। विद्वान कौन है? जो भौतिक बंधन से मुक्त हो गया है। मूर्ख कौन है? भगवान कहते हैं जो आत्मा को शरीर मानता है वो मूर्ख है। कल से कोई तुमसे पूछे सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, तो उससे पूछना आप शरीर हैं या आत्मा, वो कहता है हम शरीर ही हैं, तो कहना तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। सच सबसे ट्रू पाथ क्या है? भगवान कहते हैं सही मार्ग वही है जो मुझ तक लाए। गलत मार्ग क्या है फिर भगवान? गलत मार्ग वो है जो व्यक्ति को मुझसे दूर कर दे, इंद्र तृप्ति में लगा दे और मोह में फंसा दे। स्वर्ग क्या है? भगवान कहते हैं स्वर्ग वह जगह है जहां पे अप्सराओं का डांस होता है, वो नहीं बोला भगवान ने। स्वर्ग वहां पे है जहां पे आपका गुडनेस बढ़ता है। नरक क्या है? भगवान कहते हैं नरक वो जगह है जहां आपका तमोगुण बढ़ता है। सच्चा मित्र कौन है? कौन है सच्चा मित्र तुम्हारा? भगवान कहते हैं सच्चा मित्र मैं हूं और दूसरा गुरु है, यही दो सच्चे मित्र हैं। घर क्या है? सच्चा घर क्या है? कहते हैं ये शरीर सच्चा घर है, क्योंकि इसी से व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। अमीर व्यक्ति कौन है जो सारे गुड क्वालिटी है? कृपणा कौन है? भगवान कहते हैं जो अपने इंद्रियों को काबू में नहीं कर सकता वो कृपणा है। दास कौन है? ये वाला दास नहीं, दूसरा दास, जो एक तरीके से गुलाम कह सकते हैं। गुलाम कौन है? जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। और भगवान कहते हैं अरे कितना बताऊंगा कृष्ण, बस करो क्वेश्चन आंसर के बीसी बंद करो, एक चीज बोलो उद्धव। हाँ प्रभु बोलिए।
जो ये दोष और ये चीज देखता है ना, ये गलत है ये सही है, वो भी एक दोष है, नहीं देखना चाहिए। ये बोलते ही उद्धव का दिमाग घूम गया और यहां से 20वां अध्याय समाप्त होता है, क्योंकि काफी बहुत ही सुंदर है और आपको हिला देने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने तो पहले ऐसा उत्तर सुना नहीं था, जब तक पहले पढ़ा था पर पता नहीं क्लिक नहीं हुआ। ये स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 20 और पहला प्रश्न ही उद्धव ने पूछा, ये स्टार्टिंग कैसे हो रहा है। उद्धव के दिमाग में प्रश्न चल रहा है कि भगवान आप कह रहे हैं कि पाप पुण्य को भी कोई अगर भेद रखता है वो भी गलत है। मेरा पहला प्रश्न है प्रभु, उद्धव जानता है लेकिन फिर भी अगर ये नहीं पूछेगा तो कल लोग कहेंगे अरे देखो भगवान ने कहा था, तुम्हारे कृष्णा ने कहा है पाप पुण्य कुछ मत देखो, जो मन आ रहा है करो, एकादशी व्रत पालन करने की जरूरत नहीं है, मन कर रहा है पिस्ता पास्ता खाने का खाओ बेटा, कोई टेंशन नहीं है, कौन ये पाप पुण्य कुछ नहीं रखा है, करो जो मन आता है मौज करो, जो देखना है देखो, जैसे जीवन जीना है जियो, हम सुबह 10 बजे उठेंगे नहीं ये उठेंगे रात को उठेंगे, लोग कह सकते हैं। इसीलिए उद्धव ने पूछ दिया, भगवान आपने जो बोला क्या कि पाप और पुण्य को जो देखता है क्या ये सोच करके कि ये पाप है ये पुण्य है ये भी गलत है, तो मेरा पहला प्रश्न ये आप कैसे बोल रहे हैं। दूसरा चीज वेद, आप ही ने अभी मेरे को बोला था वेद आपके मुख से निकला, आपने ब्रह्मा जी को बतलाया है, वेद आपकी वाणी है, वेद में ही बोलता है कि झूठ बोलना पाप है, बोलता है ना लोग बोलते हैं ना, तब कल हम लोग बोलेंगे पप्पा आप गलत बोलते हैं, भगवान ने कहा ये सब नहीं सोचना चाहिए, झूठ सर जो मन है बोलो, नहीं वेद की वाणी है, वेद ये सिखाता है कि ये पाप है ये पुण्य है, और इसी के आधार पे जब व्यक्ति पाप पुण्य सोचता है तो स्वर्ग जाता है या नरक जाता है। तो आप एक तरीके से कह रहे हैं कि फिर ये स्वर्ग और नरक का जो है चीज ये गलत है, स्वर्ग फिर हम क्यों भेज रहे हैं, किस आधार पे स्वर्ग भेज रहे हैं, कौन सा आधार कार्ड है जो उनको स्वर्ग मिल रहा है, हमको भी वो आधार कार्ड चाहिए, बेचारे वो नरक क्यों जा रहे जब पाप पुण्य में भेद ही नहीं करना है, क्यों फिर ये उच्च कोटि निम्न कोटि क्यों, कोई लूंगा लंगड़ा क्यों होता है और कोई एकदम मस्त, कोई बेचारा दिन रात भिंडी का सब्जी खा रहा है और कोई मस्त अपना पास्ता बिरयानी ये खा रहा है, क्यों ऐसा होता है। फिर तो आपका ये तो फिर लोग कहेंगे कि गलत किया ना भगवान ने, फिर तो लोग कहेंगे अच्छा ये भगवान भगवान फिर कुछ नहीं होता है सब अपने मन से चल रहा है, और तो और लोग फिर कहेंगे शास्त्र ही मत सुनो बंद, अरे वाह ऐसे भागवतम क्लास बंद, बेकार है भागवतम क्लास सुनना प्रभु जी का, शास्त्र ही नहीं पढ़ना है, शास्त्र में ये सब दिया है ना पाप पुण्य भागवतम में बोलता है, नहीं सुनना ऐसे सा भागवतम बंद, अच्छा है 11 से 12 रोज पकाओ क्लास, इससे अच्छा आप कुछ और करेंगे, बच्चे भी सोच रहे होंगे कि क्यों बैठा दिया यहाँ पे, अच्छा है अब यहाँ पे सोएंगे, क्योंकि सास से भी नहीं सुनेंगे सास में ही दिया है, तो क्या भगवान इससे तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। आपने जो ये बोल दिया है ना कि जो देखता है क्या देखता है ये दोष को भी देखता है, ये तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। अब इसी चीज को भगवान कहते हैं ठीक है उद्धव तुमने जो बोला तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, अब सुनो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, और यहां से भगवान उत्तर देते हैं। क्या उत्तर है? सबसे पहले भगवान कहते हैं देखो तीन योग हैं, कर्म योग जिसको कर्मी भी कहते हैं जो कर्म करता है, ज्ञान योग
जो ज्ञानी होते हैं और भक्ति योग, मुख्यतः तीन है। आप कहेंगे प्रभु जी अष्टांग योग कहां गया? भगवान कहते हैं योग अष्टांग योग ये सब तपस्या ये सब तीनों में है, इसलिए उसको अलग नहीं किया है। समाधि धारणा ध्यान जो इत्यादि अष्टांग योग में आता है वो ज्ञान में भी है, भक्ति योग में। ध्यान हम भी करते हैं भगवान के, राधा रमण जी के चरणों का ध्यान, धारणा तो वो इसमें भी। इसीलिए यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं भगवान ने बस यही बोला। अब भगवान कहते हैं कर्म योग, तो भगवान कर्म योग कौन करेगा? कर्म योग वो करता है जो कि आसक्त है किस चीज से? इस दुनिया से। ज्ञान योग जो इस दुनिया से अनासक्त होना चाहता है, जो फ्रस्ट्रेट हो गया है, अरे यार कहाँ फंस गए हैं, कौन से जगह पे फंस गए हैं, रोज खाते हैं रोज हगना पड़ता है, क्यों बार बार खाओ निकालो और फिर से शरीर लो, फिर से ये जाओ, ये दुनिया का टेंशन बॉस, ये कहाँ फंस गए, फ्रस्ट्रेट हो गया, बस अब मुक्त कर दो भगवान, अनासक्त, उनके लिए ज्ञान योग। भक्त योग, भक्ति किसके लिए है? भगवान कहते हैं भक्ति किसके लिए है? इसके लिए भगवान सबसे पहले बताना स्टार्ट करते हैं आठवें श्लोक में। बहुत सुंदर चीज बोलते हैं, श्लोक ऐसे है आठवें श्लोक में, यदिच्छया मत कथा दो जात श्रद्धस्तु या पुमान ना निर्विन्नो नाति सक्तो भक्ति योगस्य सिद्धि। सबसे पहले मेरे यदृच्छया, यदृच्छया कहने का अर्थ है किसी कारण व संयोग से। आचार्य कहते हैं जीव गोस्वामी संयोग बस, जैसे यहाँ पे हमारे बच्चे बैठ गए, बैठने का मन नहीं है फिर भी भागवत सुनने के लिए बैठ गए, किसी कारणवश से किसी साधु का संग कर लिए, प्रभुपाद जी का संग कर लिए। हिप्पी थोड़ी ना सोचे थे कि हाँ एक आएगा सेनापति भक्त और हमें अपना संग देगा, कर लिए। यदृच्छया भगवान की योजना, कोई तो किसी कारणवश से कोई भक्ति योग में, मतलब कि भगवान के कथाओं में श्रद्धा, यहाँ पे शुरुआत का श्रद्धा कहा जा रहा है, कथाओं में जो श्रद्धा, श्रद्धा साधु संग कथाओं में श्रद्धा हो जाए भगवान के, और ये तो प्राइमरी है। सेकेंडरी क्या है? ना ज्यादा आसक्त हो ना ज्यादा नासक्त हो। आसक्त रहेंगे इस भौतिक जगत में तो क्या होगा, भक्ति नहीं करेंगे। अनासक्त भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अनासक्ति जो ज्ञानी होते ना उनका हृदय कठोर हो जाता है। जो हृदय कठोर है ना वो भक्ति के लिए नहीं बना है, इसलिए ना ज्यादा आसक्त, ना आसक्त ना अनासक्त। एक तरीके से अनासक्त कहने का अर्थ ये नहीं है कि हमें इस भौतिक जगत में आनंद उठाना है, मतलब कि हृदय को कठोर नहीं करना है। अब भगवान कहते हैं कर्म योग, उससे पहले मान लीजिए भगवान ये भक्ति योग कौन कर सकता है? भगवान ने कहा देखो उद्धव, वेदों की वाणी या भक्ति योग वही उसी के लिए है जिसका निष्ठा पहुंच गया है। ऐसा अगर भक्त कई बार वेदों के कुछ वाणियों को नहीं मानता है, जो कि पाप नहीं है, कुछ चीजें नहीं भी मानता है तो भी चलेगा। पर किसके लिए? ध्यान रखिएगा, हम जैसे छोटे मोटे जो भक्ति में स्टार्टिंग हुए उनके लिए नहीं कह रहे हैं। तावत कर्मा निकुर्विता ना निर्विद्ये तयावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन न जायते। यावन न जायते, श्रद्धा नहीं जा सकती। जिसका श्रद्धा जा ही नहीं सकता है, कहने का अर्थ है निष्ठा। आचार्य हमारे कहते निष्ठा, जिसने निष्ठा पे आ गया है, जो भागवत सुने बिना रह नहीं सकता, जो हरि नाम किए बिना रह नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति अगर कुछ नियम पालन नहीं भी करता है श्रुति और स्मृति के, चलेगा। तब तक श्रुति स्मृति ममे वाग्ये
यस्ते उलघ्यम वर्तते आज्ञा छेदो ममम द्वेषी मद्भक्तोपि न वैष्णव। अरे कोई श्रुति स्मृति को छोड़ देता है, कहता हम तो वैष्णव हैं, हम तो रास लीला करेंगे, हम बंदर की तरह कुछ भी करेंगे, हम कहीं का भी खाएंगे, हम तो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। भगवान कहते जो श्रुति स्मृति हम एकादशी का व्रत पालन नहीं करेंगे चलता है? नहीं, भगवान कहते हैं वो वैष्णव चलता है, वो वैष्णव ही नहीं है जो श्रुति स्मृति के वचनों को पालन नहीं करते हैं। इसलिए श्रुति स्मृति बहुत जरूरी है। श्रुति स्मृति में क्या लिखा है उसके लिए सुनना पड़ेगा ना, जब सुनेंगे ही नहीं तो फिर कहां से। तो सबसे पहले भगवान कर्म योग के बारे में बताते हैं, चलिए जल्दी करेंगे। 9 से 12 श्लोक तक भगवान कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसको बहुत आसक्त है, किस चीज में? भगवान में नहीं, देश दुनिया इत्यादि सब में। तो कर्म योग के लिए भगवान ने है बोला कि ये 9वें श्लोक से 12वें श्लोक तक, ये 11वें अध्याय 11वें स्कंध का 20वां अध्याय है, तो उसके लिए कर्म योग बना है। ठीक है, कैसा कर्म योग करना है? भगवान कह रहे हैं निष्काम भाव से करो बेटा, निष्काम भाव से सेवा। पहले तो आसक्त हो, ठीक है कोई बात नहीं, स्वर्ग में जाना है स्वर्ग की इच्छा करो, लेकिन एक बार धीरे धीरे डिटैच होना स्टार्ट करो, कर्म कांड से निष्काम कर्म योग करो। निष्काम कर्म योग कहने का अर्थ है कि फल की इच्छा ना करते हुए अपना कर्तव्य समझ के करो। मेरे को क्या, हाँ माता पिता की सेवा करनी है क्योंकि पुत्र का धर्म है, मैं करूंगा, ये कर्तव्य समझ करके करो। इससे क्या होगा, भगवान उसको क्या मिलेगा, स्वर्ग जाएगा? नहीं, स्वर्ग नहीं जाएगा। है निष्काम कर्म योगी स्वर्ग नहीं जाता है? नहीं जाता है, नरक जाता है। अरे वो पाप करता ही नहीं है, तो कर्म योगी पाप नहीं करता है ना, वो पाप करता है ना पुण्य, इसलिए करता है क्योंकि कर्तव्य, कर्तव्य की बुद्धि रख करके। तो स्वर्ग भी नहीं गया, नरक भी नहीं गया, तो फिर कहां रह गया? भगवान कहते फिर ये भौतिक जगत, मतलब ये धरती पे आता है। धरती पे आने से क्या फायदा? अरे ऊपर रहता तो अप्सराओं को डांस देखता, सोमरस पीता, आनंद रहता, यहां पे आके क्या है? और यहां से मानुष्य तन बड़ो भाग्य पाया, ह्यूमन बर्थ क्यों रेयर है इसके बारे में भगवान बोल रहे हैं। कह रहे हैं उद्धव, जो ह्यूमन बर्थ है ना, 13 से 17 श्लोक तक, ये बहुत ही, हाँ मैं मानता हूं मनुष्य जीवन ब्रह्मा जितना शायद बड़ा आयु नहीं है, इंद्र जितना स्वर्ग के देता हूं इतना आनंद नहीं है, लेकिन ज्यादा भोग और ज्यादा सुख और ज्यादा दुख में भक्ति नहीं होता है। हर समय ओहो हो खाने पीने का शौक पूरा पूरा हो रहा है, सब चीज रखा हुआ है, ज्यादा भोग में भी जो लोग इतना रहते हैं सब कुछ सुख सुविधा रहता है, अब हम देखते हैं लोग नहीं करते हैं भक्ति। और ज्यादा दुखी में भी क्या होता है, खाने को है नहीं तो आदमी क्या बोलता है, ये ले लो अपनी कंठी माला, भूखे पेट कैसे भजन हो गोपाला, ये ले लो अपनी कंठी माला। अरे जब भूख है, भोजन लगा, भूख लगा, भोजन है ही नहीं, तो कहां से कोई भक्ति करेगा। एक्सेसिव सफरिंग एंड एक्सेसिव हैप्पीनेस, वो उसमें व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। ह्यूमन बर्थ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कम है, आयु कम है, लेकिन ये वो चीज दिला सकता है जो कि कोई बर्थ में नहीं है। वो क्या है, उद्धव को कहते मेरा कृपा मेरी भक्ति। इसलिए उद्धव वास्तव में ये मनुष्य जीवन, मानुष्य चन्न बड़ो भाग्य पाया, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, और इसी चीज को भगवान कहते हैं कि मनुष्य जीवन को नेग्लेक्ट मत करो, भले ही शॉर्ट ड्यूरेशन है। और कहते हैं भक्ति कैसे, कहते हैं भगवान कि जैसे बोट
ये ह्यूमन बर्थ कैसा है? नाव के जैसा। इसका कैप्टन कौन है? गुरु मिल जाता है। हवा क्या है? बहती हुई हवा, जो कि नाव को उस पार लेकर के जा सके। अच्छी हवा, फेवरेबल हेयर, वो वास्तव में मेरी कृपा है। ये नाव को त्यागो नहीं। अब यहां से बताने के बाद भगवान फिर से ज्ञान योग बता रहे हैं कि ज्ञान योग क्या है। इसको 18वें से 24वें श्लोक में बोल रहे हैं भगवान। कह रहे हैं कि मन को काबू में करो। अब आज देखिए बहुत सुंदर चीज बता रहे हैं भगवान। मन को काबू में करना तो ठीक है भगवान, लेकिन बड़ा एक प्रश्न उठता है। मन को जब हम काबू में करने का प्रयास करते हैं ना, जैसे किसी को बोलो हाथी के बारे में मत सोचो, तुम क्या सोचने लगोगे हाथी के बारे में? सिंपल सा है ना। आप किसी को बोलो कि मीठा मत खाओ, उसको तो मन करता अब तो मैं और खाऊंगा। कैसे आपने बोल दिया मीठा नहीं खाने के लिए? आदमी को जितना मन ऐसा होता है ना, जितना उसको बोला तो डबल। तो फिर कैसे खड़े भगवान? बहुत सुंदर चीज बता रहे भगवान। कह रहे हैं देखो, घोड़े को देखा है तुमने उद्धव? हाँ भगवान। घुड़सवार जो होता है वो घोड़े को कैसे काबू में लाता है? क्या करता है वो? उसके जो लगाम होता है उसको पकड़ता है। अभी वो जोर से खींचोगे घोड़े के लगाम को तो क्या होता है जानते हो? घोड़ा दुलत्ती मारता है पैर से पीछे, और उसका एक दुलत्ती लग गया तो हरे कृष्णा हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या करता है, उसको पकड़ता है और उसको घूमने भी देता है। घोड़ा ऐसे ऐसे घूमता रहता है, मूवमेंट देता है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर धीरे धीरे उसके लगाम को खींचता है, फिर वो घूमता है, लगाम को खींचता है, इस तरीके से कंट्रोल करता है और फिर बैठता है घुड़सवार पे। उसी तरीके से मन को जबरदस्ती आप हटा दोगे, आज से बंद। क्या बंद? खाना पीना बंद नहीं, मिठाई बंद। हम आज से कोई मीठा खाएंगे नहीं। और जैसे पता चलता है उधर, ओहो सारे गुरुकुल के बच्चे अरे रबड़ी खा रहे, आज स्पेशल रबड़ी बना। और ऊपर से बच्चे कहते अरे आज का जो रबड़ी नहीं खाया है उसका जीवन बेकार है, महाप्रसाद रबड़ी। तब ऐसा लगता है कि अरे यार क्यों व्रत ले लिया ये चतुर्मास का कि नहीं खाऊंगा, आज खा लेता हूं कल से रोकूंगा। इसलिए भगवान कहते हैं, जैसे कई बार हम सोचते हैं कल से मंगला आरती हम 4 बजे डेली उठेंगे, और हम एक दिन उठते हैं 2 ही बजे उठ जाते हैं, हा 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 आज मैं मंगला आरती के लिए उठ गया, पहले जप भी कर लिया, 2 दिन करते, 3रे दिन से प्रभु जी फिर से सो रहे हैं 7 बजे तक, होता है। तो भगवान कहते इसलिए ग्रेजुअली क्या करना है, आप अगर 6 बजे उठते हैं 5:45 बजे उठना स्टार्ट करिए धीरे धीरे। मन को अगर जबरदस्ती खींचेंगे मन भागेगा, और उधर धीरे धीरे ग्रेजुअल इस तरीके से, जब वो धीरे धीरे जब वो करता है, और फिर उसके बाद शास्त्रों का अध्ययन करते हुए जानता है इसमें भोग, इसमें कोई आनंद नहीं है, वो मन को काबू में करना प्रयास करता है और कंट्रोल कर लेता है। इस तरीके से शास्त्रों का अध्ययन करके वैराग्य बुद्धि उत्पन्न करके ज्ञानी निकलते हैं। अब भगवान कहते हैं लेकिन चाहे कर्म योग हो या ज्ञान योग हो, कई बार भक्ति योग में भी गिर जाते हैं, फॉल डाउन हो जाता है, क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं कोई गिर भी गया, देखिए ज्ञानी गिर गया तो सही बात है, भक्त लेकिन गिर गया उसको गिरना नहीं बोलना चाहिए, वो मेरी वजह से गिरा होगा, जैसे भरत महाराज। अब यहां पे पहला चीज बोलते हैं भगवान, क्यों गिरता है व्यक्ति? चूज योर एसोसिएशन। आप किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं? भक्तों के साथ भी उसको भी चूज करिए। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन आपका एसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप मिश्रित भक्त को भी चूज कर रहे अगर हैं, मिक्स भक्त हैं, तो आपका भी डेस्टिनी मिक्स होगा। मिलावटी दूध पिएंगे तो फल मिलावट का ही मिलेगा,
इसलिए बहुत जरूरी है हमारा भक्तों का संग भी कैसा है, किस भक्त का संग कर रहे। इसीलिए हम आचार्यों के टीकाओं को पढ़ रहे हैं, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे वैष्णव आचार्यों के ही संग करें, क्योंकि हम तो शुद्ध भक्त नहीं है, पर हाँ हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी इत्यादि आचार्य प्रभुपाद वो शुद्ध भक्त हैं। इसलिए वो क्या बोलते हैं वो जानना जरूरी है, हम क्या बोलते हैं हम तो बहुत कुछ बोलते हैं। तो इसलिए भक्तों का संग में भी ध्यान रखिए। अब कहते इसी कारण से जब थोड़ा सा हम सावधानी हटाते हैं, जैसे कई बार हम जब सेविंग करते हैं थोड़ा सा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक भक्ति भी करना चाहिए सब चीज। अब क्या होता है, मान लीजिए आप गिर गए, ठीक है, अब ये नहीं रोना गिर गए। जैसे छोटा बच्चा होता है, अभी वो चलते चलते कभी कभी चलता है तो गिर जाता है, रोता है, माँ कहती अरे उठो, नहीं हम गिरे ही रहेंगे, कोई फायदा होगा फिर आगे बढ़ोगे नहीं। भगवान कह रहे गिर गए तो भी योग नहीं छोड़ना है, उसी योग को पकड़े रहो। ज्ञान योग है तो ज्ञान योग पकड़ो, कर्म योग हो तो कर्म योग पकड़ो, भक्ति योग में हो गिर गए हो कोई बात नहीं, भक्ति ही को पकड़े रहो। अच्छा पकड़े रहे, फिर भगवान कहते हैं गिर गए तो भी कोई बात नहीं, आगे पढ़ो। अब भगवान यहाँ पे 27 से ये 25 और 26 श्लोक अटोनमेंट मतलब कि जो गिर गए उसका 27 से 30वें श्लोक तक भक्ति योग के बारे में बोल रहे हैं। भक्त का कैसा स्वभाव होना चाहिए देखिए, कैसा, पहला चीज उसका मेरे कथाओं के प्रति श्रद्धा, बार बार श्रद्धा, कथा पे भागवत कथा सुनना है, फिर बोल रहे हैं श्रवण और कीर्तन यही। उसके बाद मटेरियल चीज को त्यागना चाहिए, भोग आसक्तियों को। तीसरा चीज खुशखबरी है हमारे लिए, क्या मान लीजिए हमने पूरी तरीके से भोग आसक्ति नहीं त्यागा, अभी भी बाहर गोलगप्पा देखते हैं, अरे खा लेते हैं, कोई कहता है अरे प्रभु जी पर प्रसाद नहीं है, अरे यार दो बार खा लेंगे थोड़ी ना कुछ होगा, या कई बार कुछ गलत संग कर लेते हैं, भोग आसक्ति जाती नहीं है पूरी तरीके से, मन में अभी भी आता है पुराने गीत जो सुने थे, मन में गुनगुनाते रहते हैं, कैसे उससे हटे हैं। भगवान वो तो आ जाते हैं, भगवान यहां तक कहते हैं अरे मरते तक आ सकता है, सोचिए मर रहे हैं तब पर भी पुराने ख्याल आ सकते हैं, तब क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं आएगा, माया इतना आसान नहीं है, फिर भी जो मेरा भक्त होता है वो गिर भी जाता है पर भक्ति नहीं छोड़ता है। भगवान शिव इसके सबसे अच्छे उदाहरण है, हमने बताया था 8वें स्कंद में मोहिनी मूर्ति को देख करके शिव जी विचलित हो गए और वीर का स्खलन हो जाता है। शिव जी कहते हैं वाह मेरे प्रभु वाह, मैंने मेरे प्रभु की माया को तो देखो, मैं भूतो महादेव देवों का देव, महादेव हो करके भी मैं विचलित हो गया, ये मेरे प्रभु की माया है वरना मुझे कौन विचलित कर सकता है। ऐसे भक्त को सोचना चाहिए कि हाँ गिर गया क्योंकि ये भौतिक जगत ही ऐसा है, प्रभु की माया कितनी महान है, गिर गया लेकिन भक्ति नहीं छोड़ूंगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ब्रह्मा भी आके अगर कहेगा, ब्रह्मा जी भी आकर के कहेंगे कि अरे अब छोड़ दो भक्ति, ज्ञान को पकड़ लो, कर्म योग पकड़ लो, नहीं प्रभु मैं भक्ति करूंगा, प्रभुपाद जी ने कहा है 16 माला रोज जप करूंगा, आज नहीं हुआ कल नहीं हुआ फिर भी मैं करूंगा भक्ति, कृष्णम एक शरणम, मैं कृष्ण का शरण नहीं छोड़ूंगा। जो ऐसे मेरा भक्त होता है जो छोड़ता नहीं है, भगवान कहते हैं अगर वो फिर भी गिर गया और गिरने के बाद वो सिर्फ रिपेंट प्रायश्चित करता है, रिपेंटेंस की जरूरत पड़ती है लेकिन उसी में रहा नहीं जाता, जैसे बच्चा गिर जाता है रोने लग जाता है कि गिर गया माँ, लेकिन फिर उठ करके उठता है और दौड़ता है माँ के लिए, माँ उसको गले से लगा लेती है, वैसे भगवान कहते हैं
अरे उद्धव, मेरा वो भक्त अगर गिर भी गया ना, वो उठ करके फिर से मेरी भजन को छोड़ता नहीं है ना, उसका क्या चीज होता है? भगवान कहते सुनिए, अहंकार जो गांठ है कर्म का गांठ, वो मैं तोड़ देता हूँ, सारे उसके कर्म का नष्ट कर देता। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे खिलात्मनि। सारे संशय इत्यादि सब दूर हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं ज्ञान और वैराग्य के लिए जरूरी है भक्ति, भक्ति के लिए ज्ञान और वैराग्य शुरुआत में था। जैसे छोटा सा मोबाइल में हम देखते हैं, अगर आपने कभी हैंडसेट यूज किया हो, छोटे से मोबाइल में नंबर जब आप ज्यादा टाइप करते हो तो स्क्रीन में वो एडजस्ट हो जाता अपने आप। जितना ज्ञान और वैराग्य चाहिए भक्ति दे देती है। शुरुआत में भक्ति के लिए ज्ञान और वैराग्य, हाँ इस भौतिक जगत से वैराग्य चाहिए होता है, लेकिन एक बार भक्ति किसी ने पकड़ लिया, सिर्फ निष्ठा के साथ भक्ति करते रहना, ये निष्ठा, यही भक्ति हमें भगवान तक पहुंचा देगी। और कहते हैं कि जिसने भक्ति किया है वो क्या नहीं प्राप्त कर सकता, अरे वो मुझे प्राप्त कर सकता है उद्धव, मुझे। और ऐसा भक्त जो होता है, वास्तव में मैं वही चीज बोल रहा था, पाप और पुण्य से परे हो जाता है, कहने का अर्थ है वो ट्रांसेंड, वो भौतिक पाप पुण्य में सोचता ही नहीं है। युधिष्ठिर महाराज, सत्य बोलना पुण्य है, झूठ बोलना पाप है, भगवान के लिए झूठ भी बोल दिए, नरक भी देख लिए, कहे कि कोई बात नहीं कृष्णा के लिए नरक भी जाऊंगा, क्यों? क्योंकि वो पाप पुण्य नहीं, उसको सिर्फ कृष्ण की भक्ति के लिए, कृष्ण के लिए बस सोचता है। और कहते हैं भगवान, ऐसा मेरा भक्त जो है ना उद्धव, मुझे प्राप्त करता है, ये है भक्ति। तुमने पूछा था ज्ञान वैराग्य और विज्ञान और भक्ति, तो ये है भक्ति, ये है भक्ति का पावर। इसलिए हमें भी ऐसे शुद्ध भक्तों का आश्रय लेते रहना चाहिए। चूज योर एसोसिएशन केयरफुली। और भक्ति में गिर भी गए फिर भी उठ करके भक्ति ही करेंगे, यही चीज हमें भगवान सिखा रहे हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय।